गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी की मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सब लोग ये कंफर्म करें कि आवाज़ वगैरह सही है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी दिख रही, क्लास सही है ना। शुरू करें, जल्दी से बताएं, कंफर्म करें। कोई समस्या हो तो तुरंत तत्काल कमेंट करें और 9793488448 पर हमें व्हाट्सएप करें, हम आपके लिए 24 घंटे तत्पर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि संख्या 9832 पी फॉर पैरेट 74 9 से पूर्णतः विभाजित है तो पी का मान होगा क्या होगा, ये आपको बताना है। याद रखें, ये आपकी मास्टर क्लास है। मास्टर जानते हैं ना, जैसे एटीएम में होता मास्टर कार्ड, तो मास्टर क्लास मतलब ये आपकी आगामी परीक्षाएं डीएलएड यानी कि बीटीसी के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर पर आधारित है, इम्पॉर्टेंट विशेष रूप से। उसके अलावा आपकी जो भी वन डे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि सीटेट, एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी और सीजीएल, यूपी पुलिस, याद रखिएगा जो भी परीक्षाएं हम बता रहे हैं, यूपी पुलिस, बीआरएसआई, बिहार विधानसभा सचिवालय और भी जो भी परीक्षाएं हम नाम नहीं ले रहे हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है विभाज्यता नियम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति यानी कि बेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबके लिए महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, किसी विशेष के लिए नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम सबका नाम ले तभी सभी के लिए। सेम उसी तरह से जैसे कि हमने आपको पहले बताया ना कि अगर बाजार से एक चाकू लेके आते हैं, कहते भाई इस चाकू को कहाँ प्रयोग करें, सब्जी काटने में कि सेब काटने में कि अनार काटने में, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब समझिएगा, सेम टू सेम उसी तरह से ये वैसे चाकू है ये, चाहे तो आप इससे सब्जी काटे, चाहे सेब काटे, चाहे गला काटे, सब कुछ कटेगा। मतलब समझिएगा, देखिए पी की जगह पर कौन सा अंक आएगा ये हमें बताना है। यहाँ पर हम स्पष्ट लिख देते हैं 9832 और ये पी है और ये 74, ये सब लिखा गया है। इसमें हमें P की जगह पर बताना है कौन सा अंक होगा, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में चार पद हो गए ना भाई, समझ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन है 3, 2, 4, 7, सब लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे। हम आपको बताते हैं कैसे समझते हैं। भाई ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसको ऐसे ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए दरअसल 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है, जो 3 का विभाज्यता नियम होता है वही 9 का भी होता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 8 तक पढ़ लिया था, यानी कि 2 का विभाज्यता नियम, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का विभाज्यता नियम पढ़ लिया। इस क्लास में हम देखेंगे, लगभग कोशिश करेंगे सभी विभाज्यता नियम खत्म हो जाए। और हाँ, आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। इस नियम को शुरू करने से पहले हम आपसे बता दें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप पीवीआर स्टडी को अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो करें और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें, ठीक है। जो 3 का विभाज्यता नियम होता है वही 9 का भी होता है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से विभाज्य होती है और वही नियम 9 पर भी अप्लाई होता है। चलिए जोड़ते हैं, यदि इसका सभी का योग जो है वो 9 से कटेगा तो ये संख्या जो है वो क्या कटेगी, 9 से कट जाएगी, नहीं तो 9 से ये नहीं कटेगी। तो सबको जोड़ लीजिए, सभी का अंकों का योग 9, 8, 17, 17, 3, 20, 20, 2, 22 और पी तो जुड़ेगा नहीं इसमें, तो 22, 7, 29, 29, 4, 30, 1, 34 34 हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 34 प्लस पी। अब बताइए पी का मान अगर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा ये भाई, 34 + 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 37। अब बताइए क्या 37 कटेगा 9 से, 37 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 34 भाई बहुत अच्छा चल रहा है, मार करिए इतना ज्यादा इंक हो गई इसमें, बह रहा है 34। अब पी की जगह पर अगर 2 रखें तो देखिए 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 36 है ना, कितना होगा 36, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 2, 22, 22, 7, 22, 7, 29, 1, 33 ही तो होता है ये, कितना होता है 33। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ था ना, ये 33 ही होता है, 33 प्लस पी। पहला ऑप्शन तो रखते हैं, फिर से 3 रखिए तो 3 रखेंगे तो ये आ गया 36। देखिए 36 9 से डिवाइड होगा ना, डिवाइड होगा ना, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अगर हम 2 रखें तो देखिए 2 रखेंगे तो 33 2 हो जाएगा 35,
35 कटेगा 9 से? नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत है। देखिए 33 चार रखे तो 37, 37 कटेगा 2 से, ओ सॉरी 9 से, नहीं कटेगा, इसलिए भी गलत है। अगर 7 रखे तो 40 हो जाएगा, 40 भी 9 से नहीं कटेगा। मतलब समझ में आया कि P की जगह पर जो अंक हम रख रहे हैं जोड़ने के बाद में जो योगफल आ रहा है वो 9 से अगर कटेगा पूरी तरह से तो इसका मतलब वो P का मान सही होगा। मतलब समझ रहे ना, अगर P का मान हमने 3 रखा तो ये 36 हो गया, 36 9 से पूरी तरह से कटता है, जीरो से आता है, इसका मतलब ये 3 सही है। अगर हम 2 रखते हैं 3 की जगह पर तो 33 में 2 जोड़ते हैं 35 होता है, और 35 9 से पूरी तरह नहीं कटेगा, इसलिए 2 जो है वो गलत है, 2 नहीं हो सकता पी का मान। अगर 4 रखते हैं तो 33 4 37 होता है, 37 9 से पूरी तरह नहीं कटता है, अतः ये भी मान नहीं हो सकता। समझ में आई बात ना? तो ये था पहला सवाल, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अभी तक जो जो लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए तुरंत लाइक कर दें और फिर आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा सवाल है, वो सवाल खत्म हो गया, अगला सवाल आ गया आपके सामने, तुरंत कमेंट करेंगे जल्दी से, जिन लोगों को आता है, जिन लोगों को नहीं आता वो थोड़ा सब्र बनाए रखेंगे। यदि संख्या 3071N243 9 से कंप्लीटली डिवाइड है तो क्या यन का मान होगा? यन का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है 735 और नॉट, यानी कि नॉन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको कमेंट करना है फटाफट। नियम आपने पढ़ लिया, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह से कट जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होती है, यानी कि डिवाइड होती है। तो चलिए टाइम न बिताते हुए हम जोड़ लेते हैं, 3 को जोड़ेंगे 0 में, 0 को जोड़ेंगे 7 में, 7 को जोड़ेंगे 1 में, 1 को जोड़ेंगे n में, और n में जोड़ेंगे 2, और 2 में जोड़ेंगे 4, और 4 में जोड़ेंगे 3। तो पहले हम गिनती गिनती जोड़ लेंगे, फिर जो n या PDP है जो उसको छोड़ के बाद में जोड़ लेंगे। 3 में 0 जोड़ा 3, 3 7 10 1 11, n नहीं जुड़ेगा ना, n को छोड़ देंगे, 11 12 13, 13 4 17 ना, 17 3 20, कितना आया टोटल जोड़ने पर 20 आ रहा ना, ध्यान दीजिएगा। तो 20 आ रहा जोड़ने पे, क्या हो गया 20 प्लस n। अब बारी आती है आपकी, आपकी बारी ये आती है कि अब आप ट्राई करेंगे n का मान क्या हो सकता है। देखिए अगर n का मान हम 7 रखते हैं तो ये 20 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 27, 27 9 से कटता है पूरी तरह से ना, इसका मतलब ये मान बिल्कुल फिट है, सही है, उत्तर हो गया। लेकिन देखिए क्या कोई और भी उत्तर सही है, चलिए 20 प्लस n, n का मान कुछ और रखिए, मानते हैं 3 रख देते हैं, तो ये हो गया 20 प्लस 3 बराबर 23। अब बताइए क्या 23 कट रहा है ना उसे पूरी तरह से? नहीं कट रहा ना, इसका मतलब ये 3 नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत है। अच्छा चलिए 5 रख के ट्राई करते हैं, तो 20 और प्लस 5 n की जगह पे 5 तो हो जाएगा 25, 25 कटेगा 9 से पूरी तरह से? नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी क्या है गलत है। समझ गए ना कौन सा उत्तर होगा? 7 होगा। जो लोग नोट करना चाहे नोट कर लें, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे और नेक्स्ट रूल पे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप लोग बता दें कौन सी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, जल्दी से बताएं कौन सी संख्या है जो 10 से कंप्लीटली कटेगी, तुरंत बता दें फट से, देर ना करें। देखिए सिंपल सी बात है, 10 का विभाजिता नियम आप लोग लिख लें, वो संख्या जिसके अंत में 0 होगा, जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा, वो 10 से कटेगी। क्योंकि जब आप 10 का पहाड़ा पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छंग 60, 10 सते 70। कहने का मतलब सब में लास्ट में 0 आता है ना, 0 आता है, तो जो संख्या में लास्ट में 0 होगा वही संख्या 10 से कटेगी बस, बाकी की कोई भी संख्या 10 से नहीं कटती है, यानी कि ये उत्तर हो जाएगा आपका। इसको आप जल्दी से नोट कर लें और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला 11 का विभाज्यता नियम। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, यदि संख्या 7127J62 11 से पूर्णता यानी कंप्लीटली विभाज्य हो यानी डिवाइड हो तो J का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है 3754, कितना आएगा जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, रूल पे चलते हैं। देखिए
मतलब पहले समझिएगा क्योंकि पहली क्लास। एक बात ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया भाई विश्वासघात ना करें, हम आपके लिए अगर सब कुछ कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य है और आप लाइक अवश्य करें। और हाँ, सभी लोगों को ये कसम खानी होगी कि आप लोग क्लास देखने के बाद कम से कम 3 मित्रों में जरूर शेयर करेंगे, पीबीआर स्टडी को अवश्य शेयर करेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना वाली बात लेके चलिएगा, एक अकेला थक जाएगा मिलकर कदम बढ़ाना। जी हाँ बिल्कुल शेयर करिएगा। देखिए समझ में नहीं आएगा तो हम उसके जिम्मेदार हैं आपको समझाने के, हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होती है जब दी गई संख्या के इकाई अंक से बाईं तरफ चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर करने पर जो उत्तर आए वो या तो शून्य आए या फिर 11 का पूर्ण गुणा जाए। ऐसे कहानी नहीं समझ में आएगी, पहले प्रैक्टिकल करके देखिएगा। देखिए अगर इसकी हम काउंटिंग करें तो एक अंक है ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, ये चौथा अंक है, ये पांचवा अंक है, ये छठवां है, ये सातवां है ना। हमने गिन लिया कितनी गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिनती है ना। ठीक, अब इसमें सम स्थान कौन है और विषम स्थान कौन है, पहले तो आपको आनी चाहिए कि सम और विषम संख्या होती क्या है। अगर आपको यही नहीं आता तो आपको ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो सम संख्या क्या होती है, 2 0 2 4 6 8 जिस संख्या के लास्ट में आता सम होती है, 1 3 5 7 जिसमें आता लास्ट में वो विषम होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ को चलते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थानों के अंकों का योग मतलब ध्यान दीजिएगा, विषम स्थान कौन कौन सा है, पहला विषम स्थान है, तीसरा विषम स्थान है, पांचवा है और सातवां है, ये विषम स्थान है। इनके इनके सीध पे कौन कौन सा अंक आता है उसको देखिएगा ध्यान से। देखिए पहला एक के सीध पे क्या है, 2 है, तो 2 को जोड़ लो भाई। फिर 3 के सीध पे क्या है, जे है, जे को जोड़ लो इसी में। फिर 5 के सीध पे क्या है, 2 है, 2 को भी जोड़ लो। 7 के सीध पे क्या है, 7 है, सबको जोड़िए। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 2 9, 9 2 11, 11 प्लस जे क्या आ रहा है, 11 प्लस जे है ना। ये क्या आया, विषम स्थानों के अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा ये विषम स्थानों के अंकों का योग। अब चलेंगे सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, ये सम स्थान है। तो 2 के सीध पे क्या है, 6 है आपका, 4 के सीध पे क्या है, 7 है, और 6 के सीध पे क्या है, 1 है। अगर समझेंगे तो समझ में आएगा, 7 6 13 कितना आया, 14 है ना, क्या आया, 14। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इनको हम घटाएं, क्या करें, घटाएं किसको किसको, जो ये सम स्थानों के अंकों का योग आया है और जो विषम स्थानों के अंकों का योग आया है, इनको अगर घटाएं तो या तो 0 आए या फिर 11 का पूर्ण गुणा जाए, तो संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगी। और ऑलरेडी कहा है कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, अगर विभाजित है तो हमें घटा करके 0 लाना होगा या फिर 11 का पूर्ण गुणज यानी कि 11 22 33 44 लाना होगा। तो चलिए घटा लेते हैं, ये है 11 प्लस जे, इसमें से घटाना क्या है, 14, और घटाने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 0 आए या फिर क्या आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए। तो अब आप सोचिए कि 11 और प्लस जे है तो जे की जगह पे कौन सी ऐसी गिनती होनी चाहिए कि जिससे घटाएं तो 0 आ जाए। देखिए 11 की जगह पहला ऑप्शन रखते हैं तो 11 प्लस 3 माइनस 14, अब 11 3 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 14 इक्वल कितना आ गया, 0। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये घटाने पर 0 आना था है ना, जे का मान हमने क्या रखा था, 3, तो घटाने पर 0 आ गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं क्या दूसरा भी ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, 7, तो 11 प्लस जे की जगह 7 रखिए, माइनस 14, 11 7 हो गया 18, 18 माइनस 14 इक्वल कितना आया, 4। अब बताइए क्या 4 जो है 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा ना, ना तो ये 11 का गुणज है और ना ही शून्य है, इसका मतलब 4 जो है ये वैलिड नहीं है, नहीं हो सकता। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, एक मैं उदाहरण और भी देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल और देखिए, 11 का विभाजिता नियम समझिएगा, विस्तारित समझिएगा एकदम बेसिक। कोई भी संख्या
11 यानी कि 11 से तभी विभाजित होती है जब उस संख्या के दाहिनी तरफ से यानी कि इकाई अंक से बाईं तरफ चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग करने पर घटाने पर जो अंतर आए वो या तो 0 आए या फिर 11 का पूर्ण गुणा जाए तो संख्या जो है वो विभाजित होती है 11 से। इन्हीं बातों के बीच आपका अगला सवाल आपके सामने है, यदि संख्या 543 11 से पूर्णतः विभाजित है तो k का मान बताइए। एक दूसरा सवाल, कैसे निकालते हैं? पहले सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग से क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर वो घटाने पर जो आता है 0 आता है या 11 का गुणा जाता है, मतलब 11 22 33 44 66 55 इस तरह से आता है तो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो चलिए देख लेते हैं, सम स्थानों के अंकों का योग कितना आता है, सम स्थान कौन कौन सा है, देखिए पहला स्थान है ये सम है नहीं, दूसरा है ये सम है, तीसरा छोड़ देंगे, चौथा पांचवा छठवां, यानी सम स्थान कौन कौन सा है, ये है सम स्थान और ये सम स्थान है और ये सम स्थान है, सभी को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 + 4 यानी कि ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 प्लस के, कितना आया 9 प्लस के, विषम स्थान क्या, विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान कौन कौन सा है ध्यान दीजिएगा, ये आपका विषम स्थान है और ये भी विषम स्थान है और ये भी क्या है विषम स्थान है, यानी कि 3, 5, 3, 5 और 4, तो 3, 5, 8, 8, 4, 12 कितना आया 12 ध्यान दीजिएगा। अब इसको घटाएं तो 0 आए, किसको घटाएं, ये पूरे से इसको घटाएं तो 0 आना चाहिए, तो देखिए 9 प्लस के और माइनस कितना आया 12। अब बताइए के की जगह पर क्या रख दे कि घटाने पर 0 आ जाए, मतलब इसको हल करें तो 0 आ जाए। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, 9 प्लस 3 अगर 3 रखते हैं तो 9 3 12 माइनस 12 इक्वल कितना आया 0, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। लेकिन अगर 7 भी रख के ट्राई करें तो देखिए, अगर 7 रखते हैं तो क्या सही होगा, 9 + 7 - 12 आप जानते हैं 9 7 ही हो जाएगा 16 16 - 12 इक्वल कितना आ जाएगा 4, 0 आया नहीं आया ना, और ना ही 11 का गुणज आया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अगर 9 रखे तो ध्यान दीजिएगा, अगर 9 रखे तो उत्तर तो आ गया है लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना पगलवा रहे हैं। अगर 9 रखेंगे तो ये 9 प्लस के है माइनस 12, के की जगह पर 9 रखिए तो 9 प्लस 9 माइनस 12 और ये हो जाएगा 18 माइनस 12 इक्वल आ जाएगा 6, 6 जो है ना तो 11 से कट रहा है और ना ही 0 है और ना ही 11 का गुणज है, इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि 3 ही सही होगा। इस तरह से आपने ये महत्वपूर्ण क्लास देख लिया, इसी तरह की रेगुलर क्लास शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि एसटेट जिसे बोलते हैं सुपर टेट और झारखंड TT बिहार TT राजस्थान हरियाणा केरल कर्नाटक जितने भी राज्य की परीक्षाएं TT की होने वाली है, सभी परीक्षाओं के लिए यूपी पुलिस SIRPF RRB SSC सभी वनडे एग्जाम के लिए गणित की कंप्लीट और रेगुलर क्लास करने के लिए ऑनलाइन अपने घर आंगन से आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आपको इस नंबर पर सिंपल में JOIN ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप करना होगा और आपको सारी क्लास मिलेंगी, आपके घर तक पहुंचेंगी, चाहे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, चाहे तो बस में, चाहे तो आप खेत में खलिहान में बाग बगीचे कहीं भी हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं तुरंत बिना सोचे समझे 78 428 ये, और इसमें आप नीचे 3 3 लगा के ये सेम टू सेम वही नंबर रहेगा, एक नंबर और बना सकते हैं 32 999, दूसरा नंबर 33 999, बाकी के अंक एक समान है। इसके अलावा चलते चलते डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप PVR स्टडी को फेसबुक पर अवश्य लाइक करें और हाँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और क्लास की सूचना और इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें और PVR स्टडी को टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। आपसे मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, कृपया इस क्लास को कम से कम 3 मित्रों में जरूर शेयर करें, करेंगे ना, अगर आप हमारी बातों को समझेंगे तो हम आपकी बातों को समझेंगे और जिससे ये बैलेंस बना रहे। बस
आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। और आपका जो शेड्यूल है क्लास का डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा, आप हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद।